मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महिला द्वारा संचालित मैन्युफैक्चर प्लांट। इस प्लांट में करीब 10,000 महिलाएं काम करेगी। हाल ही में ओला से ये खबर निकल कर आ रहा है। तमिलनाडु के ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर प्लांट को पूरी तरह से महिलाएं द्वारा संचालित किया जाएगा। 500 एकड़ में फैला इस प्लांट को बनाने में ओला ने 2400 करोड़ निवेश किया है। पहले साल यहाँ 10 लाख यूनिट स्कूटी मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाद में मार्केट डिमांड के साथ 20 लाख तक एक्सपांड किया जाएगा। कुछ सालों के अंदर यहाँ 1 करोड़ यूनिट पर ईयर तक मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जो दुनिया का कुल ईवी स्कूटर का 15% होगा। यानी कुछ सालों में भारत की महिलाएं दुनिया की 15% स्कूटी बनाएगा। ओला कंपनी के चेयरमैन और CEO भविष्य अग्रवाल जी ने कहा है, भारत में हम दुनिया का सबसे बड़ा महिला द्वारा संचालन करने वाला फैक्ट्री निर्माण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों को सिर्फ रोटियां सेकना और बर्तन मांजने का मशीन समझा जाता है। ओला का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक बेहतरीन मिसाल है, जो दिखाते हैं लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। आशा करते हैं और भी बड़ी कंपनियां ऐसा कदम उठाएगा जिससे देश में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास हो सके। ओला का ये कदम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।